आज इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे। यस यस की बुक का नाम है मृदंग। क्या नाम है? मृदंग। हाँ, ये कल ही आप लोगों को मिली है, तो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, माई बाइसिकल। माई बाइसिकल है ना, ये देखिए ना सबने। यस मैम। चलाते भी हो? यस मैम। कौन कौन चलाता है? अरे मतलब सबको चलाने में मजा आती है ना। यार इसी की है ये। इसमें पहले मैं बोलूंगी, जब मैं उसके बाद फिर तुम लोग याद करना और उसके बाद तुम लोग एक्टिविटी करके बोलना। ठीक है, अभी पहले मैं पूरी सुना दूंगी, उसके बाद ही तुम लोग की बारी आएगी जब बोलेंगे। ठीक। आई हैव ए रेड बाइसिकल। पहले मैं कर लूँ फिर बोलो, तुम मत बोलो। ठीक। आई पैडल, आई राइड, ट्रिंग 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 गोज द बेल। ट्रिंग ट्रिंग बजाते हैं ना उसमें, चले जाते हैं जल्दी से। मेक्स माई फ्रेंड मूव आसाइड, मतलब मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे रास्ता दे देते हैं, है ना। जब मैं चलाता हूँ बैल बजाता हूँ तो वो लोग बैल सुनकर रास्ता दे देते हैं ना मुझे। द सीट इज ब्लू इन कलर, तो जो साइकिल है उसकी सीट कैसी है? ब्लू कलर की। द टायर एंड पैडल आर ब्लैक, टायर जो उसके होते हैं ना टायर वो ब्लैक कलर के, और पैडल जो है वो भी ब्लैक कलर का है। समटाइम फास्ट समटाइम स्लो, समटाइम फास्ट समटाइम स्लो, यानी कभी कभी वो तेज हो जाती है कभी कभी धीरे हो जाती है। बट माई बाइसिकल इज ऑलवेज ऑन ट्रैक, मगर मेरी बाइसिकल जो है वो हमेशा पटरी पर चलती है। तेज भी चलेगी तो पटरी पर, धीरे चलेगी तो भी पटरी पर। टू कीप माई बाइसिकल मूविंग, मेरी साइकिल चलती रहती है। ठीक है। ऑल आई नीड इज सम एयर, बस मुझे थोड़ी हवा चाहिए। ठीक है, हवा होती है ना टायर में। आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट, मैं अपना छोटा सा हेलमेट, मैंने अपना छोटा सा हेलमेट पहन लिया है। हेलमेट पहनने का मतलब अब मैं चल दूंगा। खत्म हो गई क्या बेटा? वो भी आ गया। एवरीवेयर, और मैं हर जगह खुशी से जाता हूँ साइकिल पर, मैं खुशी से जाता हूँ। तो ये पोयम की तरह ही हमें करनी है। इसमें ये सिर्फ बताया कि मैं साइकिल लेके कितना खुश होता हूँ। तो एक बार और इसको रिपीट करेंगे, और आपकी बार आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे और तेज ही बोलोगे। ठीक है। आई हैव ए रेड बाइसिकल, आई हैव ए रेड बाइसिकल, आई पैडल, आई राइड, आई पैडल, आई मे राइड, ट्रिंग ट्रिंग गोज द बेल, ट्रिंग ट्रिंग गोज द बेल, मेक्स माई फ्रेंड मूव हर साइड, मेक्स माई फ्रेंड मूव हर साइड। ट्रिंग ट्रिंग बजती है तो वो साइड हो जाते हैं। द सीट इज ब्लू कलर, द सीट इज ब्लू कलर, द टायर एंड पैडल एंड ब्लैक, टायर में से उंगली रखी है ना उसमें। द टायर, आई हैव अ रेड बाइसिकल। पहले पोयम को रिपीट करने से पहले हमने देखो ये टीएन ले आए हैं, ये स्कूल का ही है ना। yes, बच्चे कोई साइकिल को आए क्लास पांच है, तो ये रेड है ना। yes, अब हम आप लोगों को बुलाएंगे और आप बताएंगे वो चीज कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सरताज, सरताज बताएगा कि इसके हैंडल का है। ये हैंडल है, ये हैंडल है, सही बता रहा है। yes, अच्छा वेरी गुड, सिट डाउन। रोहिणी आएगी, रोहिणी बताओ इसके पैडल का है। पैडल, ये पैडल है। yes, वेरी गुड, सिट डाउन। अरुण आएगा, अरुण अ ब्लैक सीट एंड टायर, सीट का है और टायर का है। ये टायर है, सही है। yes, ये टायर है ना। yes,
सीट का है, बैक सीट, बैक सीट देखो कहाँ है, साइकिल बनी है इसमें बैक सीट कहाँ पे होती है, एक सीट तो ये है और दूसरी सीट कौन सी है बैक? नहीं लगी है, इसको बैक सीट बोलते हैं ना, इसमें बैठते हो ना, तो भाई जान ने तो बता नहीं पाया। चलो सीट डाउन, साइकिल चलाते हो, चलो सीट डाउन करिश्मा। अब इसके बाद इसमें और भी क्या क्या चीजें हैं, जैसे पैडल हो गया, चैन हो गया, टायर हो गया, लाइट हो गई। अच्छा लाइट कहाँ लगती है ये बताएगी मानसी, कम यार मानसी, इसमें लाइट नहीं है लेकिन लगती कहाँ पर है? मैं जरा बता, अब हमारे पास और साइकिल नहीं है ना, यहाँ पे लाइट लगती है, सही बता रही है? यस यस, साइकिल चलाते हो? अभी तो हाथ उठाया था आपने। अच्छा अच्छा, तो ये आज हमें प्रैक्टिकल अपने ग्राउंड से मिल गया ना। अब आप सब लोग पहले कॉपी अपनी किताब खोलो, इसमें एक साइड पीछे चित्र दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है जिसके अंदर साइकिल का चित्र बनाया है, बना है ना? यस मैम। तो इसमें देखो मैंने बनाया है, इसमें क्या क्या लिखा है पहले आप उसमें लिखोगे, ठीक है? उसके बाद इसी के पीछे पेज पर देखो, ये पेज है ना, एक के पीछे यहाँ पर पहले लिखोगे, उसके बाद फिर इसी का चित्र भी बनाना है यहाँ पर, ठीक है? और जब ये इतना काम हो जाएगा तो हम फिर इसको फिर से इसकी एक बार फिर रीडिंग करेंगे और फिर उसके मैं बोलूंगी और आप मेरे पीछे कुछ ही बोलूंगा, ठीक? तो पहले आप इसका काम करो, इसको देखकर जहां जहां एरो लगे अपनी किताब के अंदर इसको भरो, इसका नाम लिखो। ये देखो मैंने लिख रखा है ना, पैडल, चेन, टायर्स, लाइट, बेल और क्या है ये, अच्छा ये क्या होती है? हैंडल तो ये हो गया, ये ग्रिप्स होती है ना जिससे हम दबाते हैं ना, ये जो ये होती है, होती है ना, इससे ब्रेक लगती है ना, यस हाँ। और सीट, हैंडल, बैक सीट, बैक सीट हो गई। तो आज हमें साइकिल के बारे में सब कुछ पता चल गया ना, पता तो तुम्हें पहले से भी था, मगर अब क्या करना है, अब इसकी स्पेलिंग याद करनी है ना। अब जब तुम किसी से कहोगे अरे यार बैक सीट पर बैठ जा, कहते हो ना, तो बैक सीट वो बोलोगे तो कहेगा अच्छा तुम्हें अंग्रेजी आती, पीछे की सीट पर बोलना, बोलना बैक सीट पर बैठो, तो बैक सीट की स्पेलिंग पूछेगा, तो तुम्हें बतानी है ना ये लिखी है, हैंडल मत दबाओ, हैंडल अरे हटा हटा ऐसे नहीं बोलते ना, अब तुम इंग्लिश में बोलना यार हैंडल हटाओ, तो वो हैंडल समझ जाएगा, तो इस तरह से तुम्हें स्पेलिंग याद करो।